नमस्कार दोस्तों साथियों, आज का मुद्दा बहुत ही खास है कि डीजे बैंक को लेकर। भाई आपने देखा होगा ग्रुपों में भी स्क्रीन शॉट आते हैं, वो उसका भेजते हैं अखबार करके, भाई डीजे बैन हो गया। और जी इधर पलवल में भी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, आपने देखा होगा। लेकिन साथियों आपको एक चीज और देखनी, ये एक और भी एक वीडियो भी बहुत चलती है ग्रुप में, उनमें भाई है जो पुराने हैं वो तो उनको तो पता है। देखो ये वीडियो भी और अगर नियम का पालन नहीं होता है तो डीजे बजाने पर 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए। तो साथियों ये वीडियो बहुत ही नए लड़के डालते हैं इनको, ये 5 साल पुरानी वीडियो है, जब अखिलेश का टाइम था उस टाइम की ये वीडियो है। और जी वो जो अखबार की कटिंग आती है जो मैंने थंबनेल पे भी लगा रखी है वो भी 5 साल पुरानी है, ये नया नहीं है ये कुछ भी। ये एक बार और देखो आप, देखो या किसी और तरह से ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है तो उस इलाके के थाना इंचार्ज उसके लिए जवाबदेह होंगे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ध्वनि प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए बड़ा खतरा है और ध्वनि प्रदूषण नागरिकों के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन है। तो साथियों ये अखबार की कटिंग भी डालते हैं ग्रुप में, और जी वो मैं बहुत जगह देख लिया कि कोई भी मेरे पास भेजते हैं, जो मतलब मेरे आसपास के गांव के जानकार लड़के हैं वो भी मेरे पास भेजते हैं कि भाई डीजे तो बैन हो गए, डीजे बैन हो गए। साथ तो कोई डीजे बैन नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ अफवाह है सारी, इन पर ध्यान ना दो आप। ये वीडियो भी आपने देखा हो ग्रुपों में, जो नई नई है ना वे भेजते हैं, पुराना को तो पता है सबको कि ये 5 साल पुरानी वीडियो है और 5 साल पुरानी वो अखबार की कटिंग है जो मैंने थंबनेल पे भी लगा रखी है। हाँ पलवल में मुद्दा हुआ था अभी, कई गांवों की पंचायत हुई थी वहां पे कि भाई डीजे बैन करो और म्यूजिक सिस्टम लगाओ, तो वहां पे भी पलवल में भी फिर बजवा था डीजे 5 तारीख में, मार्च में उन्होंने बैन किया था और 5 तारीख में फिर वहां पे बजा था डीजे, तो वहां पे भी खुल गया, वहां पे भी बंद नहीं है। तो साथियों तो थोड़ा सा आपको भी लिमिट में चलना है, ये नहीं है कि भाई अब ज्यादा धंधा चौपट किसने कर दिया, ये ज्यादा जो मार्केट खराब कर दी डीजे वालों की, वो ये जो मतलब कम पैसों में बजाते हैं और दिन रात बजाते चले। कहीं भाइयों को मैं देखूं ये अगर जा रहे गांव में से तो बजाते ही जा रहे, अगर कहीं बुकिंग में भी जा रहे वहां भी बजाते ही जा रहे, उन्होंने सिस्टम खराब कर रखा है साथियों ये पूरा मैटर। नहीं तो हम जाते हैं कहीं भी डीजे बजाने जाते हैं, हम बहुत कम डीजे बजाते हैं, पार्टी वाले जब शुरू में स्टार्टिंग में 10 बार आके बोल लेंगे ना कि बजा दो, जब जाके हम डीजे बजाते हैं और उससे क्या होगा, उससे आदमी को बढ़िया लगेगा डीजे बजता हुआ। और अगर एकदम जब तक बजा दिया पूरा अगले ने कहानी और जाके बजा रहे डीजे और फिर पूरी पूरी रात बज रहा अगला मन, नहीं तो हम 11 बजे 12 बजे 1 बजे बिल्कुल 1 बजे के बाद हमने आज तक कहीं डीजे नहीं बजा, चाहे अगली पार्टी कुछ भी कहे हम बोल देते हैं भाई 1 बजे बाद हम बजाने के डीजे, बंद है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 10 बजे तक बजेगा। तो साथियों ये चीज ध्यान में रखा करो, नहीं तो बहुत से भाइयों को तो मैं देखा हूँ तो इतना शौक है कि वे बजाते ही चले जाते हैं, बाजार में ही निकल ले कहीं को जा रहे बजाते जा रहे, तो ये मार्केट उन्होंने खराब कर रखी है। अगर हम डीजे कम बजाएंगे तो लोगों को भी डीजे बजने में भी अच्छा लगेगा और जी हमारा सिस्टम भी सही रहेगा। बहुत से बंदे मैं देखा आजकल नए नए लड़के हैं, नहीं तो पुराना जो बंदा होगा वो नहीं बजाता, वो तो बहुत ही सोच समझ के काम कर रहा है और पूरा दिमाग से वो चला है। तो साथियों यही थी बात कि भाई बंद बुंद कुछ नहीं है डीजे, आपने अखबार की कटिंग आती है ना जो वो डीजे 5 साल के डीजे बजाने पर, तो वो 5 साल पुरानी कटिंग है वो अखबार की, वही चलती है हर जगह, मैं देख लिया बहुत से ग्रुपों में आती है व्हाट्सएप के, और कुछ बंदे मेरे पास भेजे हैं तो वो 5 साल पुरानी कटिंग है साथियों। और ये महीने में 1-2 बार तो मेरे पास कोई भेजता है, हर ग्रुप में देखा हूँ मैं, ग्रुप में बोल लू भी जो अपने लोकल के ग्रुप है जो भाई भेजते हैं, मगर भाई 5 साल पुरानी वीडियो है बजाना तो, लेकिन फिर भी बंदे भेजते रहे नए नए खड़े हुए हैं फिर भेज जाए। तो साथियों बैन कुछ नहीं है डीजे चालू है, बस थोड़ा सा ये है कि आप थोड़ा सा लिमिट में बजाओ, ज्यादा अगर कहीं भीड़ भाड़ की गली है तो दिक्कत तो होती है भाई साथियों, आपको पता के दिल का मरीज है तो उसके लिए तो जहर है ये डीजे, दिक्कत तो आती है गाँव वाँव में हमें पता, आपको पता सारी जगह, तो थोड़ा सा लिमिट में चलो। और भाई 68 काम ना करो, जो लोग लड़के आजकल के हैं वे घर से चले तो डीजे बजाते हुए जा रहे पूरा जहां तक आगे तक, फिर आगे जब तक बजा रहे अगले ने कहा नहीं डीजे बजाने को मालिक ने, लेकिन बंदे के आज जब तक पेल देंगे प्ले करते हैं और बजाएंगे पुराने छुट्टी, नहीं तो जब तक 2-3 बार आके ना बोल लेना बंदा के भाई डीजे बजा जब तक डीजे ना बजाओ, समझे। अगर कहीं मतलब इमरजेंसी है बार दुआ हो रही कहीं वहां तो बजाना पड़ेगा देखो, लेकिन शुरू में शाम के टाइम में अगर किसी का आप जल्दी चले गए तो वहां पर जाके शुरू में डीजे ना बजाओ, जाके इधर उधर बट जाओ घुस जाओ इधर उधर घूमो कहीं, जब टाइम पे डीजे बजाओ, ऐसा नहीं है कि जब तो 7 बजे डीजे बजा दिया फिर 8 बजे, इससे मार्केट खराब होगी और कुछ नहीं होता साथियों। डीजे कम बजाओ और भाई थोड़ा सा यात्राओं में भी ध्यान रखो, भाई बालाजी की यात्रा है अब वहाँ पे भी बजेंगे डीजे, वहाँ पे सूंख निकालना पड़ा पूरा, जाके देखो वहाँ पे जितने भाई है 23 तारीख में यात्रा शुरू है वो,
और 23 तारीख में देखना जितना डिजिट देखना, जो मेरे नए नवेले भाई है मैं वो यात्रा में जाऊँ वहाँ पे देखो जाके, पूरा शौक आपका पूरा होगा वहाँ पे जाके, ठीक है। दावड़ तोड़ भी डीजे बजेंगे सुबह से लेके और रात तक डीजे बजेगा लगातार वहाँ पर लगी यात्रा को, जब तक पुंजीन भैया वो शौक है वो जाके वहाँ पे शौक निकाल लें अपना थोड़ा सा तो कम हो जाएगा। दोस्तों ये जानकारी थी, कैसी लगी बताइए कमेंट करके।